बड़े दिल से लेके जाते भी है कि फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये कंडीशन जब देखते हैं ना तो बड़ा दुख होता है। ले जाएंगे और हर एक मरने के बाद वापस ले जाएंगे तो हम कैसे? नहीं नहीं, मैं बहुत सारे लेके गई हूँ ना आपके यहाँ से, अभी दूसरा दूंगा, दूसरा मर जाएगा फिर क्या करूँ? नहीं नहीं मैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चांदनी के दिल से। तो आप सोच रहे होंगे कि चांदनी ने आज अपने ब्लॉग की शुरुआत गाड़ी में ही क्यों कर दी, क्योंकि एक्चुअली ना मन बड़ा उदास था, क्योंकि ऑर्किड का फ्लावर मैं भी कुछ दिन पहले ही लेके आई थी, लाइक लास्ट संडे ही लेके मैं आई हूँ, और उसकी हालत ऐसी होगी ना, सारे फ्लावर्स जो है ना वो मुरझा गए, सारे फ्लावर्स गिर गए हैं, उसकी लीव सारी निकल आई है। और आज जब मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा ना कि उसको किस तरह से ग्रो करते हैं, कैसे ख्याल रखते हैं उसका, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो पॉट है वो आपका बहुत ही वेंटिलेटेड होना चाहिए, पूरा आपको एयर जो है प्लांट को मिलते रहना चाहिए। तो ऐसी कोई बात मुझे नर्सरी वालों ने कही नहीं, और पहले ही एक ऑर्किड का फ्लावर लेके आई थी जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगा था वो फ्लावर। अब आप देख सकते हैं उसकी हालत कैसी हो गई है, ये देखिए। और जब मैं लेके आई थी इसमें इतने सारे फ्लावर्स आए थे, बहुत सारे फ्लावर्स थे, और ये देखिए एक हफ्ते के अंदर अंदर सारे फूल झड़ गए। जो प्लांट है वो है टोटल 450 रुपीज का प्लांट है, एंड उसका जो सेरेमिक पॉट है वो भी महंगा है यार, 350 रुपीज का वो है। तो यार मुझे उन्हें बताना चाहिए था कि इस तरह की चीजें होती हैं, आपको इस तरह से ख्याल रखना है पॉट का। उन्होंने जस्ट ये बोला कि बहुत धूप में मत रखना ये, और ज्यादा हवा भी नहीं उस प्लांट को मिलना चाहिए, और यही चीजें मुझे बताई, और इसके अलावा इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि जब आप 450 रुपीज का कोई प्रोडक्ट दे रहे हो, कोई सामान दे रहे हो, उसके बारे में बताओ तो उसको कैसे रखना है, क्या करना है, और कम से कम। और सिरेमिक पॉट दे दिया, मुझे लगा कि चलो सिरेमिक पॉट में बहुत सुंदर लगेगा, व्हाइट कलर का सिरेमिक पॉट है तो वो अच्छा दिखेगा, लेकिन अब ये चीज इन लोगों को बताना चाहिए ना कि आपको ऐसा गमला लेना है जिसमें कि आपको प्लांट को पूरा एयर मिले, ये कौन बताएगा, बताइए आप मुझे। हम लोग तो ले आते हैं प्रोडक्ट अपने प्लांट्स अपने पसंद से लेके आते हैं, मगर उसको कैसे रखना है वो तो इन लोगों को थोड़ा तो हमें एक्सप्लेन करना ही चाहिए। तो बस इसी बात की नाराजगी है, और मैं जा रही हूँ ये प्लांट लेकर के। आई डोंट नो कि वो क्या करने वाले हैं, बट मुझे तो बहुत बुरा लगा, और मैं देखती हूँ कि वो मुझे इस प्लांट को सेव करने में कुछ हेल्प करते हैं या क्या करते हैं, लेट्स सी। आप लोग भी देखिए आगे क्या करते हैं। क्यों ऐसा बना के दिया उसने मुझे, ठीक कहते। और वीडियोस में भी जो भी बताया ना उसमें यही बताया गया है कि एयर चाहिए इसको हवा कम चाहिए, समझो आप हमारे हिसाब से। आप मुझे ये बताइए, आपने इसमें कोकोपीट डाल के क्यों दिया, जब आप लोग इसको नारियल के उसमें रख रहे हो, उसके पीसेस में रख रहे हो, कोकोपीट में क्या होता है, तो इसमें क्यों लगा के दिया? आज आपने पानी डाला ना तो 3-4 दिन तक पानी की जरूरत नहीं रहती है, इससे ही प्लांट चला लेता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर रहता है। हम जो बोलते हैं पानी नहीं डालना है, इसकी वजह से इसको डालते हैं। मगर मुझे वो समझ भी नहीं आया कि आप लोगों ने उस तरह से रखा है, हमें आप ऐसा क्यों दे रहे हैं? अरे मैं ये अभी इसको चेंज करेंगे ना तो इसमें ही आएगा ये। क्या होगी 450 रुपए का पॉट है, पता है मैडम, पता है मुझे, और एक हफ्ते तक ये रुका नहीं है, और आप लोगों ने कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए कि कैसे रखना है क्या करना है इसको, लेकिन आपने इस तरह से बना के क्यों नहीं दिया मुझे? नहीं, इस तरह से तो नहीं बन सकता है सर, ये तो मैं भी तैयार लाता हूँ, मेरे पास नहीं है चीजें, तैयार लाता हूँ मैं। तो कोकोपीट अभी क्यों लगा के दे दिया मुझे, ये बता। कोकोपीट लगाने से पानी आपको जो कम डालने पड़ता है ना उसी सॉल्यूशन के लिए कोकोपीट लगती है। क्या हुआ कंडीशन? कंडीशन तो ये तो हैवी हो गया, आप बोल रहे एक बार डाल एक बार नहीं डाल। मैं वही आपको कह रही हूँ ना कि इसमें ज्यादा पानी नहीं चाहिए, ये बताना भी तो चाहिए। तो ये तो भरते समय पूरा आदमी, आप ये बताओ इसमें, मैंने जितने वीडियोस देखे सब में ऐसा ही बताया कि ऐसा सेरेमिक प्लांट पॉट तो चाहिए ही नहीं उसमें लगाना, एयर ही प्लांट होना चाहिए। इसकी नस्ल मर गई, ये चली गई है, ये चली गई, ये तो मर गया पूरा। हाँ, फिर तो यहाँ से नीचे का जिंदा है, ये जिंदा है, ये जिंदा है, ये जिंदा है, ये हरा हरा है, ये देखो ये कड़क, ये यहाँ से गया है, ये कुछ इसमें डिजीज लगा है ना, डिजीजेस प्लांट है देखो। इसलिए अगर 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 प्रॉब्लम होता तो यही पे मेरे यहाँ ही मर, ये पूरा रेडी है, अभी रूट इसके रेडी है, आप देखो
तो रिप्लेस कर दो ना भैया, रिप्लेस तो नहीं कर पाऊंगा कोई दूसरे प्लांट के साथ। यहाँ से काट के संजय भाई लगा कुछ तो करो, मैं इसलिए तो लेके आई, वरना मैं उठा के फेंक नहीं देती, इसलिए लेके आई कि आप कुछ तो मुझे सुझाव दोगे। सुझाव मैं ऐसे कोई रेडी करके आपको लगा सकते हैं, बाकी कोई नया प्लांट तो कैसे ये नहीं आएगा, फिर मैं लेके आऊंगी। मतलब आप यही चाह रहे हो कि मैं अप डाउन करती रहूं? नहीं नहीं, मैं क्यों चाहूंगा ऐसा कि आप अप डाउन करो, क्योंकि प्लांट की कोई गारंटी होती नहीं थी, अप डाउन करने का कोई चांस ही नहीं होता। लेकिन मुझे आप इसको ना ऐसे प्लांट नहीं, आप वैसे बना के दे दो मुझे भैया। नहीं वैसे में तो वो चीज है ही नहीं, वो मटेरियल ही मेरा नहीं है, मैं कैसे बना के दूंगा मैडम? क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं लग रही है मुझे, एक्सपीरियंस इतना बुरा हो गया ना। और आप बोल रहे हो कि पानी नहीं इसमें, भैया देखो मुझे फूल चाहिए बस, मुझे आप ऐसा सोल्यूशन दो जिससे कि मुझे फूल। आप बोलते हो कि पानी नहीं डाला है, मैं वही आपको कह रही हूँ ना। ये देखो ये पानी आ गया, पानी तो फूल डाल दिया। नहीं तो पानी तो उनको बोलना भी तो चाहिए ना कि पानी नहीं डालना। मैडम इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम यहाँ बैठे जैसे खाली थोड़े पकड़ा देंगे आपको। इसको किसी और में डाल दो भैया, मैं ये कह रही हूँ कि कम से कम आपके वहाँ पे उगे जुनू कुंडू पड़ी है, मैं सेट कर लिया लेंगे। फूल तो उगे कम से कम, कहीं पे भी उगे, चाहे यहाँ उगे चाहे कहीं भी। अरे अमन आखी दे, हाँ ये भी डाल दो उसमें। कुछ भैया इसमें लगाओ फिर प्लांट, आपको अलग से जो चाहिए हाँ, वो बोलो। कोको पिट रेडी है इसमें, तो काला ही जाओ अंदर छोटू पड़ी जामा खाली कर दे आने। मैं उठा के मैं भी घर पे भी फेंक सकती थी, लेकिन मुझे ये था कि बच जाए वो प्लांट, बच सकता है तो बच जाए। लेकिन मैडम इसमें पानी ज्यादा डाला हुआ, पानी तो मैंने मैं बोल रही हूँ डाला है, लेकिन वो भैया ने बोला नहीं कि इसमें पानी नहीं डालने है। अंदर वाला कोई भी प्लांट हो ना उसमें तीन चार दिन में एक ही बार पानी आधा ग्लास। इसमें कोई प्लांट बताएं भैया फिर मुझे, अच्छा सा प्लांट बताएं ये, क्योंकि मुझे कमरे में ही रखना है इस प्लांट को, तो कौन सा प्लांट बेटर होगा? बड़े दिल से लेके जाते हैं भैया कि फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये कंडीशन जब देखते हैं ना तो बड़ा दुख होता है। ले जाएंगे और हर एक मरने के बाद वापस लाएंगे तो हम कैसे? नहीं नहीं मैं बहुत सारे लेके गई हूँ ना आपके यहाँ से, ये पहला पौधा नहीं है जो लेके गई हूँ, मैं बहुत सारे लेके गई हूँ, इसीलिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि सारे प्लांट्स तो अच्छे आए, इसको क्या हो गया? और लेके आने का भी यही था कि ये जिंदा हो जाए, अगर आप लोग उसको कर सकते हो तो, वरना मेरे हाथ में भी नहीं है कुछ भी। तो पौधे की ऐसी गारंटी होती नहीं, क्योंकि हमारे वहाँ जो गाड़ी आती है ना मैडम बाहर से, हाँ उसमें एक एक गाड़ी में 100-200 पौधे मर जाते हैं। हाँ वो तो मैं आपकी बरोबर सब आप खुद बोलो कि हम उसके सामने कैसे लड़ने जाएंगे, बताओ आप बात। हमारी सुनो ना भैया, सुनो मेरी बात सुनो, मैंने जो वीडियोस देखी हैं उसमें ये बताया कि ये सारे ना इसको कट कर दिया जाता है जिससे कि उसमें एयर अच्छे से हवा उसमें पास हो। एक काम करो, हाँ जिस साइड से वीडियो देखी उसका कॉन्टेक्ट लेके उसको पूछो, हाँ ऐसा पौधा कहाँ तैयार किया जाता है। अच्छा क्योंकि ये पौधे है ना ये मुंबई की पुणे की फेमस नर्सरी से पौधे आते हैं, वो ऐसे तो होंगे नहीं कि गलत की ऐसे सिंपल में लगा देंगे। ठीक है तो ये ऐसे ही रखूं मैं, आप ऐसा कह रहे हो ऐसे ही रखूं? उसको पानी कम चाहिए बस, उतना पानी कम रखूंगी पक्का पक्का, पानी कम रखना और क्या रखना है आप बता दो मुझे। मॉइस्चर होना चाहिए उसमें, पानी ऐसे जो इसमें डाला है ना, हाँ जी ऐसे डालने का नहीं। ठीक है कुंडू ले लो, बहुत हल्का हल्का डालना है। हाँ इसमें प्लांट तो कोई लगा के दो मुझे अच्छा सा, इसमें अभी दूसरा दूंगा दूसरा मर जाएगा फिर क्या करोगे? नहीं नहीं मैं आपके से पूरा इंस्ट्रक्शन ले रही हूँ, पूरी कैसे रखना है क्या करना है मुझे बता के दो, फिर नहीं होगा तो वो मेरी गलती है फिर। वैसे तो गारंटी होती ही नहीं है और इसमें गारंटी वाला कोई इश्यू ही नहीं है, हम घर पहुँचेंगे शाम को, वो तो ऊपर वाले को ही पता है मैडम। अभी देखो इसमें पानी दिख रहा है कुछ भी? नहीं नहीं है पानी, बिल्कुल नहीं है, ये मॉइस्चर में ही होगा, पानी की जरूरत ही नहीं है इसको। तो यही चीजें इंस्ट्रक्ट करनी चाहिए ना कि देखो आप पूछना भी तो चाहिए मैडम। अरे पूछा हम तो यहाँ पे इतना एक्चुअली शायद वो संडे का दिन था, मे भी वो लोग बिजी हो, लेकिन मैं ये कहती कि हम इतना महंगा प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट बता तो दे ये चीजें आपको करनी है। आपको भी पूछना पूछा ही था ना, सैटरडे संडे रश होता है तो कोई पूछेगा तभी बताएगा, बाकी आप निकले नहीं दूसरा आया नहीं ऐसा ही चलता है सैटरडे संडे, समझो। तो आपको आप इसमें हाथ लगा दिया आपने तो ये अच्छा होना चाहिए, किसी किसी का हाथ भी अच्छा होता है, मैं मानती हूँ इस बात को। अच्छा इसमें क्या आप मुझे लगा के दो, खाली नहीं ले जाओगे ना प्लांट को? हम सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट अभी जरा खाली करें, बीजू मिक्स करें बढ़िया। हाँ अच्छे से इनको इंस्ट्रक्ट कर दीजिए कैसे रख करना है। तो मुझे इनको जो कहना था वो मैं कह चुकी हूँ, और इसके बदले इन्होंने थोड़ा सा कंसिडर किया है और ऑर्किड फ्लावर के बदले वो एक मुझे दूसरा प्लांट देंगे और उसका नाम है सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो चलिए देखते हैं कैसा है वो प्लांट। तो पूछी जो ना
जैसे सॉन्ग ऑफ इंडिया को छोड़ा तो एक नाम भरा यार अंदर अंदर क्या इसका नाम बड़ा अच्छा है क्या नाम है सॉन्ग ऑफ इंडिया सॉन्ग ऑफ इंडिया ये चलेगा ना प्लांट चलो तो काफी जिरह करने के बाद जो है उन्होंने वो प्लांट को रिप्लेस तो नहीं किया बट हाँ सॉन्ग ऑफ इंडिया मुझे जरूर दे दिया है और उनके दिल से तो यही सॉन्ग निकल रहा था ना ऐसे जिद ना करो तुम्हें मेरी कसम है देखो जाने भी दो ना जाने दो ना जा जा जाने दो ना मुझे तो जाने दो ना तो दोस्तों मैं आ गई हूँ एक खूबसूरत से नर्सरी फॉर्म में। ये देखिए यहाँ पे कितने खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे, ढेर सारे गुलाब, गेंदे का फूल और बहुत सारी वैरायटी मुझे यहाँ पे देखने को मिली। और ये देखिए कश्मीरी गुलाब कितना खूबसूरत है। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिल खिला के हंस दिए, और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई हंसने के लिए हंसने के लिए। सच गुलाब की खुशबू भी ना सच बेमिसाल बेहतरीन बहुत ही प्यारी। खाद कंपोस्ट क्या डालोगे? कोकोपीट? हाँ वो डालो। कितना खूबसूरत है ये तो, ये भी कितना सुंदर है ये वाला पर्पल कितना प्यारा है। बट मेरा फेवरेट तो पर्पल ऑर्किड है, वाइट भी इतना खूबसूरत लग रहा है बट मुझे दिस वन। हाँ हाँ सेकंड वन, इसको अच्छे से लगा के दो मुझे। किस में लगेगा ये बताओ? प्लास्टिक में सही रहेगा ना भैया? हाँ भैया ये किसके फ्लावर्स हैं? जासू। अच्छा जासू के फूल है, ये सुंदर है। ठीक है अभी वो ही मुझे दे दो आप प्लास्टिक में अच्छे से लगा। इसको धूप में नहीं रखना है ना? धूप में नहीं रखना। ठीक है जमा हुआ ना इसकी जड़ अच्छे से जमी हुई। हाँ भैया ये उसमें लगेगा? हाँ इसमें लगेगा। अच्छा तो बेल जैसा नीचे लटकेगा। अच्छा सच में? ठीक है आपको ज्यादा आइडिया होगा। कौन सा फूल है ये? येलो कलर का आएगा वो वाला। वो आ रहे हैं ये जामुनी कलर दोनों आएंगे। ठीक है और आप क्या नाम है इस फ्लावर का? रैडिलिशिया। हाँ रैडिलिशिया। ओके रैडिलिशिया। तो दोस्तों जो मैंने पहले वाला जो गमला लिया था ना वो सेरेमिक का था तो उसमें बिल्कुल हवा नहीं जा रहा था, तो मैंने इसलिए इनको इस प्लांट में कहा है कि आप थोड़े से स्लिट कर दें, थोड़े से यहाँ से साइड साइड से कटिंग कर दें जिससे कि आराम से इसमें हवा पहुँच सके प्लांट तक। ऐसा आप लोग नॉर्मली करते नहीं है ना? दो तीन जगह से कर दो। एयर जाएगा इसमें, हवा जाएगा, हवा कितना काना है देखो पूरा खाली है। हाँ नीचे बहुत काना है, जरूरत नहीं बचेगा आपने बोला। ठीक है ठीक। येलो कलर। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि आप लोग भी अगर ऑर्किड का फ्लावर अपने घर में लाने के लिए और उसे सजाने का सोच रहे हो तो यस राइट आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लाइए इसको सजाइए अपने घरों में, बेहद खूबसूरत फूल है ये। लेकिन हाँ कुछ जो बातें हैं जो मैंने गलती की ध्यान नहीं दिया उन बातों पे ज़रूर आप लोग गौर फरमाइएगा
और देखते हैं आगे चलकर कि ये फ्लावर मेरे घर में कितने दिन रहता है और क्या मैं इसकी अच्छी तरीके से देखभाल कर पाती हूँ या नहीं। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय फ्रेंड्स, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें दोस्तों।